नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस बार का मकर संक्रांति है बेहद खास। नीतीश कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, नक्सल और एसिड अटैक जैसे अपराध पर लगेगी लगाम। बिहार में तेज गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाया सिरदर्द। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एफआरआई ने 72 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनो, स्टोर कीपर, ड्राइवर और एमटीएस के कुल मिलाकर 72 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में मैट्रिक, आईटीआई, 10+2 डिप्लोमा, बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट fri.icfre.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार का मकर संक्रांति है बेहद खास। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक देखने लगी है। बाजार तिलकुट समेत तिल से बने सभी व्यंजन की सौंधी खुशबू से महक रही है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर उलझन बना हुआ है। बता दें कि इस बार की मकर संक्रांति लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, जिसका कारण यह है कि इस बार केवल 14 को ही नहीं बल्कि 15 को भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी को पारंपरिक तरीके से तो वहीं 15 जनवरी को तिथि के अनुसार मकर संक्रांति मनाई जा रही है। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और साथ ही कई लोग स्नान के बाद दान भी करते हैं, जिसके बाद लोग दही चूड़ा और तिलकुट खाकर मकर संक्रांति मनाते हैं। नीतीश कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में वैसे डॉक्टर जो 5 साल से ज्यादा अपनी ड्यूटी से लापता थे और अन्य डॉक्टरों की ड्यूटी में अनुपस्थिति को देखते हुए कुल 81 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने 3 जिलों में ROB के निर्माण के लिए कुल 229 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति दी है। वहीं कैबिनेट ने औरंगाबाद में 2 भूखंडों को हैंडओवर करने के प्रस्ताव पर और औरंगाबाद के रफीगंज अंचल में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी भूखंड को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ इस बैठक में अन्य विभाग से जुड़े एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। बीते दिन नए मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने ली शपथ। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के हिंदी भवन सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण करवाया गया। बता दें कि इस दौरान 5,547 निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलवाया गया है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने शपथ ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान कई जिलों में शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं अगर राजधानी पटना के मेयर और डिप्टी मेयर की बात की जाए तो निर्वाचित मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी ने शपथ ली। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों में काफी खुशी देखने को मिली। बिहारी बोथडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वरी दुबे के बारे में। बिंदेश्वरी दुबे का जन्म आज ही के दिन 1921 को हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेड यूनियनिस्ट और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने 12 मार्च 1985 और 13 फरवरी 1988 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री परिषद में कानून, न्याय और श्रम के विभागों को संभाला। इससे पहले उन्होंने शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राज्य स्तर पर कार्यालय संभाले थे। वह 1980 और 1984 के बीच 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। 1988 से अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इससे पहले वे 1952 से 57, 1962 से 77 और 1985 से 88 के दौरान बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के अलावा इंटर के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जाने बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के हिंदी, मैथिली, उर्दू, मगही, सुरजापुरी और कुर्मल लिथाड बोली जाने वाली भाषा के आंकड़ों को जारी किया है। बता दें कि जारी किए गए इस आंकड़े के अनुसार बिहार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बिहार में 8,06,00,000 है। तो वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर 2,58,00,000 के साथ भोजपुरी आती है। वहीं अगर बिहार की 8वीं अनुसूची में
शामिल मैथिली भाषा की बात की जाए तो मैथिली बोलने वालों की संख्या 1,30,00,000 है। इसके साथ ही बिहार की दूसरी राज्य भाषा उर्दू बोलने वालों की संख्या 87,70,000 है। इसके अलावा मगही बोलने वालों की संख्या 1.13 करोड़, सुरजापुरी बोलने वालों की संख्या 18.57 लाख और कुर्मलथार बोलने वालों की संख्या 103 लोग है। आज से मंदार महोत्सव की हुई शुरुआत। आज से राजकीय बोशी मेला और मंदार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। हालांकि इससे पहले बीते दिन इस महोत्सव को लेकर डीएम अंशुल कुमार और एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के द्वारा लगभग 2 घंटे तक निरीक्षण कार्य किया गया। बता दें कि इन्होंने अपने अधिकारियों के साथ मंदार पर्वत के पाप हरणी सरोवर से लेकर बौंसी के मेला ग्राउंड, मुनीश्वर कृषि प्रदर्शनी, रेलवे के खेल मैदान तक निरीक्षण लिया और साथ ही मंदार में सफा धर्मावलंबियों की सुविधा का भी जायजा लिया। बता दें कि आज से शुरू होने वाला यह महोत्सव 16 जनवरी तक जारी रहेगा। इस महोत्सव में सुबह से रात 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1200 से अधिक पुलिस एवं पदाधिकारियों को लगाया गया है। बक्सर के चौसा कांड को लेकर एडीजी गंगवार ने कही ये बात। बिहार के बक्सर के चौसा में किसानों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि इस मामले को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत 5 FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को लेकर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके साथ इस मामले पर कई पुलिसकर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। वहीं घटनास्थल पर डीआईजी, डीएम और एसपी कैंप कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिलहाल यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में किसका हाथ है। इन सभी की पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, नक्सल और एसिड अटैक जैसे अपराध पर लगेगी लगाम। बिहार के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में नए साल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, नक्सल गतिविधियों के खिलाफ अभियान और एसिड अटैक के मामले को गृह विभाग की प्राथमिकता सूची में जोड़ा गया है। बता दें कि इस बैठक में भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा रहे अफसरों व कर्मियों पर की जा रही कार्रवाई का डाटाबेस, गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत दर्ज मामलों और सांप्रदायिक मामलों में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत वादों का डाटाबेस और साथ ही 2016 से पहले और उसके बाद के हुए एसिड अटैक मामलों का भी डीएमएसपी से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जमीन विवादों से जुड़े दर्ज मामलों की मॉनिटरिंग बीप्रसी के 6 अधिकारी के द्वारा की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे ऋषिकुंड के बारे में। खड़गपुर की पहाड़ियों पर स्थित यह तीर्थस्थल काफी मशहूर है। यह मुंगेर से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बरियारपुर पाटम लोहची पथ में पहाड़पुर वनवर्षा के समीप स्थित है। इस स्थान का नाम प्रसिद्ध ऋषि श्रृंग के नाम रखा गया है। यहाँ मलमास के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। पर्यटकों के बीच यहाँ का गर्म झरना आकर्षण के केंद्र बिंदु में रहता है। ठंड के मौसम में इस झरने का पानी हल्का गर्म हो जाता है, जिसमें स्नान करने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहीं पर एक डैम का निर्माण भी किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहाँ स्थित कुंड, जिसको लोग ऋषि कुंड के नाम से जानते हैं, के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। यही भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जो भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। बिहार में तेज गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा। अब बिहार में तेज गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार के सबसे खतरनाक 5 NH पर ऑटोमेटिक कैमरा लगाए जाएंगे, जिससे बेल्ट्रॉन के सहयोग से NH की निगरानी रखी जा सके और इस कैमरे की मदद से तेज रफ्तार की गाड़ी का नंबर प्लेट और वाहन मालिक की पहचान की जा सके। बता दें कि इसके लिए रिपोर्ट तैयार किया जा सके, इसलिए राज्य के 5 अधिकारियों को बेंगलुरु के NH और दिल्ली के जमुना एक्सप्रेस वे पर भेजा गया था, ताकि वहां की ट्रैफिक का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार किया जा सके। वहीं अब बिहार के इन 5 NH पर जो भी वाहन तेज रफ्तार में या परिवहन के नियम का उल्लंघन करते नजर आते हैं, तो वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं वैसे गाड़ियां जो नियम को तोड़ती हुई 3 बार नजर आती हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बीते दिन बिहार में रहा एक दिन का राजकीय शोक। बीते दिन बिहार में एक दिन का राजकीय शोक रहा। दरअसल यह राजकीय शोक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा पत्र जारी कर पूर्व केंद्रीय मंत्री व समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर घोषित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस राजकीय शोक के दौरान बीते दिन पूरे राज्य में उन सभी भवनों पर जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज पाए जाते हैं, उन भवनों के राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहे। वहीं इस दौरान किसी भी तरह का कोई राजकीय समारोह या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरद यादव का निधन 12 जनवरी की रात को हुआ था।
एयरटेल 5G प्लस सेवा बिहार के इन चार शहरों में हुई शुरू। बीते दिन बिहार के चार शहरों में एयरटेल 5G प्लस सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर शामिल है। वहीं पटना में सेवा की शुरुआत पहले से ही की जा चुकी है। हालांकि आने वाले समय में एयरटेल अपनी 5G प्लस सेवा पूरे राज्य में उपलब्ध करवा सके, इसके लिए नेटवर्क का विस्तार कर रही है। जानकारी के लिए बता दी कि 5G प्लस सेवा की शुरुआत होने से अब एयरटेल के मौजूदा ग्राहक 4G स्पीड से 20-30 गुना अधिक तक की गति के साथ एक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ इससे भारत में मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बिहार में लोगों को नहीं मिलेगी ठंड से राहत। मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य के अधिकतर भागों में एक बार पुनः उत्तरी हवाओं में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राज्य में शीतलहर का नया दौर बीकानेर संभाग से शुरू होगा। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के उत्तरी भागों के एक या दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 जनवरी से बहुत घना कोहरा और राज्य के अलग अलग स्थानों में शीतलहर की स्थिति का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। बीटीआर के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में हुआ इजाफा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राजस्व में ज्यादा इजाफा हुआ है। बता दें कि इस वर्ष यहां आने वाले पर्यटकों में न केवल भारत बल्कि चाइना, जर्मनी और जापान समेत कई देशों के पर्यटक शामिल रहे। यही वजह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वीटीआर के राजस्व में 25% का इजाफा देखने को मिला है। यह जानकारी वाल्मीकि नगर रेंज ऑफिस के रेंजर अवधेश कुमार के द्वारा दी गई है। अवधेश कुमार का मानना है कि इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल यहां आने वाले पर्यटकों ने पानी और शौचालय की मांग की है। अवधेश कुमार ने कहा कि इसकी व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। अब बिहार में हेरिटेज क्षेत्र में विज्ञापन लगाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना। प्रदेश में लागू बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब बिहार के शहरी निकायों में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र और धार्मिक स्थानों पर किसी तरह के विज्ञापन के प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, जिला वन, वन निकाय, ऐतिहासिक स्मारक, श्मशान, कब्रिस्तान, खंडर और लुप्त प्राय क्षेत्रीय इकोसिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भी विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अगर फिर भी किसी के द्वारा इन जगहों पर विज्ञापन लगवाया जाता है तो उनके खिलाफ बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही क्रूरता और यौन ओवरटोन वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाया गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति लिए विज्ञापन लगाता है तो उसे 200% तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। नीतीश की समाधान यात्रा में हुआ बदलाव। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही समाधान यात्रा में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि किए गए बदलाव के अनुसार नीतीश कुमार 18 तारीख को बक्सर, 19 तारीख को भोजपुर, 20 तारीख को नालंदा, 21 तारीख को गया, 22 तारीख को नवादा और फिर 28 जनवरी को खगड़िया, 29 तारीख को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा, 1 फरवरी को सुपौल, 2 फरवरी को सहरसा, 3 फरवरी को अररिया, 4 फरवरी को किशनगंज, 5 फरवरी को कटिहार, 6 फरवरी को बांका और 7 फरवरी को कैमूर पहुंचेंगे। बता दें कि समाधान यात्रा में किए गए बदलाव की जानकारी कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी विभागों के सचिव और जिलों के डीएम को दे दिया गया है। शरद यादव के निधन के कारण रद्द हुआ दही चूड़ा भोज। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन को लेकर राजद और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि राजद के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट शेयर करते हुए कहा गया है कि राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक दुखद निधन के कारण आज दिनांक 14 जनवरी 2023 को रावड़ी आवास पटना में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज स्थगित कर दिया गया है। वहीं राजद के नक्शे कदम पर चलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि श्रद्धेय शरद यादव जी के निधन के कारण मेरे पटना आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज रद्द किया जाता है। शरद यादव के निधन पर पटना एयरपोर्ट पर भावुक दिखे तेजस्वी यादव। एक तरफ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर राजद और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 14 जनवरी को होने वाले दही चूड़ा भोज को स्थगित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन तेजस्वी यादव शरद यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन के लिए रवाना हुए। बता दें कि इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि शरद यादव का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा गया है। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली जा रहे हैं शरद यादव जी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए। दिल्ली स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर रखा गया है, वहीं जा रहे हैं।
जेडीयू का शिक्षा मंत्री पर हमला। वरिष्ठ जेडीयू नेता व बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रामचरितमानस पर किए गए गलत बयान को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सह राजद नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान गलत है, रामचरितमानस के ऊपर कई लोगों का विश्वास है, शिक्षा मंत्री का इस तरह से बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से चौपाइयों को पेश नहीं करना चाहिए, अगर शिक्षा मंत्री गलत तरीके से चौपाई पेश करेंगे तो युवाओं के बीच रामचरितमानस को लेकर गलत भ्रम पैदा होगा। उनके बयान से महागठबंधन को लेकर एक गलत अवधारणा पैदा हो गई है कि हम लोग रामचरितमानस के खिलाफ हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार राम की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, उनका आदर करते हैं, यह कौन नहीं जानता भला। वहीं जो लोग उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं, वे जैसे मंत्री पहलवानी कर रहे हैं ऐसे ही ये लोग हैं। उन्होंने कहा कि दोनों गलत है। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खिलाड़ी की चोट ने बढ़ाया सिरदर्द। फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, लेकिन इस सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पीटर हैंडसकॉम्ब को विक्टोरिया में क्लब क्रिकेट में पूल शॉट लगाने के प्रयास में चोट लग गई है और उनके राइट हिप का टिश्यू डैमेज हो गया है, जिससे अब कंगारू टीम की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के द्वारा दी गई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम न केवल पीटर हैंडसकॉम्ब के चोट से जूझ रही है, बल्कि अपने अहम खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और कैमरून ग्रीन के उंगली में लगे चोट से भी जूझ रही है। हालांकि टीम को यह उम्मीद है कि पीटर हैंडसकॉम्ब ठीक होकर भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में शामिल हो सकते हैं। वहीं कैमरून को सीरीज के शुरुआती मैच में खेलते देखा जा सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के लिए बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1959 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को 1999 में समर्पित किया गया। 1896 में ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री सीडी देशमुख का जन्म हुआ। 1926 में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। 1942 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल का जन्म हुआ। 1977 में भारत के एकमात्र फॉर्मूला वन चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ। 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ, जो हिंदी साहित्यकार थे। वायलफोन में आज हम बात करेंगे ईवीएम बैन होने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ईवीएम बैन होने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए ईवीएम को 23 साल के लिए बैन कर दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। इंस्टाग्राम पर आ रहे आपत्तिजनक मैसेज को ऐसे करें रिपोर्ट। भारत में हजारों ऐसे यूजर हैं जो फोटो और वीडियो के शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। बता दें कि मीटा अपने यूजर्स को एक ऐसा फीचर देता है जो आपको आपत्तिजनक मैसेज रिपोर्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर आप भी किसी आपत्तिजनक मैसेज को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम ऐप खोले। अब डीएम सेक्शन में जाएं और उस बातचीत को खोले जिससे आप किसी मैसेज को रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब उस मैसेज को टैप करके रखें जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। फिर पॉप अप मेनू से अधिक विकल्प चुने। अब रिपोर्ट बटन दबाएं, जिसके बाद यूजर मैसेज की रिपोर्ट करने का कारण चुन सकते हैं। अब आप ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन कर सकते हैं और फिर सबमिट रिपोर्ट बटन का टैप कर सकते हैं। बिहार में 21 जगहों पर होगा सामुदायिक जेटी का निर्माण। बिहार के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में गंगा नदी के तट पर 21 जगहों पर सामुदायिक जेटी का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि जेटी का निर्माण भारत अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से जलमार्ग विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जिन जगहों पर जेटी का निर्माण किया जा रहा है, उनमें नरकटियारा, दारापुर के नासरीगंज, बाढ़, पानापुर, मौजापुर, आरा, डोरीगंज, कच्ची दरगाह, राघोपुर दियारा, अथमल गोला, दीघा, कालूघाट, हसनपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, खगड़िया में अगुवानी, खालगोना, तिंतंगा, भागलपुर में एक एक और कटिहार के काढ़ा गोला और मनिहारी में दो दो जेटी का निर्माण किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मुख्य अभियंता के द्वारा दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है कुंदन कुमार, अंबिका कर्ण, प्रमोद गुप्ता, कुश कुमार यादव, महेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार, रूपेश कुमार, राजीव कुमार, कमल चौधरी, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, राजकुमार, शंकर मुखिया, सचिन कुमार, सादाब मल्लिक, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मकर संक्रांति को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।